खासकर उत्तर प्रदेश की सरकार ने तो कुछ मंत्रियों का समूह बना के, अधिकारियों का समूह बना के, तो इस बात पर इन्होंने जोर दिया था कि जो बाहर से प्रवासी लोग आ रहे हैं तो उनकी योग्यता के हिसाब से कि वो किस किस कार्य में दक्ष हैं, तो उनकी योग्यता के हिसाब से उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और इन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया भी बड़े पैमाने पर जब ये बाहर से लोग आए, लेकिन हो क्या रहा है, रजिस्ट्रेशन हो गया, योग्यता भी इन्होंने प्रवासियों ने अपनी दर्शा दिए, दिखा दिए रिकॉर्ड में, लेकिन उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश में हमें देखने के लिए मिल रहा है कि जिसमें बड़ी तादाद में प्रवासी लोग इधर आए हैं तो उनको रोटी रोजी के साधन नहीं मिल रहे हैं। बहुत खराब हालत है उनकी, बहुत ही दयनीय हालत है, और हालात इतनी ज्यादा खराब हैं इन लोगों के, जो बड़ी बड़ी डिग्री लेकर जो प्रवासी लोग उत्तर प्रदेश में आए, आज वो मनरेगा के तहत, तो मैं कई चैनल में देख रही थी पिछले 2-3 दिनों से कि वो खड्डे खोद रहे हैं। उनके माँ बाप क्या सोचते होंगे जिन्होंने मेहनत मजदूरी करके उनको पढ़ाया लिखाया, बड़ी बड़ी डिग्रियां उनको दिलवाई, वो क्या सोचते होंगे। और सरकार को भी सोचना चाहिए कि जब बड़ी बड़ी डिग्री लेकर लोग गड्ढे खोदेंगे तो इसका शिक्षा के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा। लोग सोचेंगे कि पढ़ाने का क्या फायदा है, जब इनको गड्ढे ही खोदने हैं तो फिर इनको पढ़ाने का क्या फायदा है। तो इस ये भी सरकार को, केंद्र और राज्यों की सरकारों को जरूर सोचना चाहिए। इसलिए हमारी पार्टी ये बात कह रही है, क्योंकि इनकी हालत